गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लेजर। लास्ट टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था जर्नल। जर्नलाइज करने के बाद ट्रांजैक्शन आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं लेजर में। लेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है अकाउंटिंग की, और इसीलिए प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग भी इसे कहा जाता है। हमने लास्ट जो लेक्चर किया था हमने वहाँ भी बात की थी कि जो जर्नल होता है आपका वो ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंटिंग है, और जो लेजर है वो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग होता है। लेजर में आप रिकॉर्ड करते हैं, जो प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का उसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है। लेजर में जब आप जर्नलाइज जो ट्रांजेक्शन्स आपने की हैं उनको जब लेजर में आप लिखते हैं, जर्नल से लेजर में आप उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं क्लासीफाई करके, तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। मीनिंग क्या है लेजर का? अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में लिखने के बाद जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर ट्रेडर को चाहिए जर्नल से उसे नहीं मिल सकती, क्योंकि आप उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉर्म कर रहे हैं। जैसे जो आपका बिजनेसमैन है उसे जानना है कि उसकी परचेजेस कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स उसकी कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर, या एक सर्टेन डेट पर उसके डेप्टर्स कितने हैं या क्रेडिटर्स कितने हैं, या कितना उसके पास कैश है, कितना उसके पास स्टॉक है एक सर्टेन डेट पर। ये सारी इन्फॉर्मेशंस जर्नल से ऑब्टेन नहीं की जा सकती। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली चाहिए तो लेजर से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिल सकती है। इन सारी इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करने के बाद, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल में आप उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम हर एक जो भी हमारा आइटम है, जो भी हमारा अकाउंट है, उसका हम सेपरेट एक जो आपकी बुक है लेजर्स जिसे हम कह रहे हैं, उसका एक सेपरेट अकाउंट हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं, और उस अकाउंट से रिलेटेड, उस आइटम से रिलेटेड सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की थी उन सबको हम ट्रांसफ़र करते हैं उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम्स में। उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, और जो बुक ये ट्रांजेक्शन्स जहाँ पर एंटर आप करते हैं इसे लेजर कहा जाता है। सेपरेट अकाउंट्स आप ओपन करते हैं हर एक पर्सन, एसेट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट जो आइटम है उसके लिए। देन डेफिनेशन क्या है लेजर की? अकॉर्डिंग टू एलसी क्रूपर, द बुक इन विच अ ट्रेडर्स ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्लासीफाइड परमानेंट रिकॉर्ड इज कॉल्ड दी लेजर। बुक जिसमें जो ट्रेडर्स की सारी ट्रांजेक्शन है आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लासिफाइड मैनर में, और जो आपका परमानेंट रिकॉर्ड है उसी को हम लेजर कहते हैं। देन फॉर्मेट क्या है लेजर का? लेजर एक रजिस्टर की तरीके से होता है, रजिस्टर होता है लेजर एक, और उसके हर एक पेज पे आप एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं। फॉर्मेट क्या है इसका? हम इसे बेसिकली टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, एक डेबिट साइड के कॉलम्स हो जाते हैं और एक क्रेडिट साइड के कॉलम्स हो जाते हैं। कॉलम्स दोनों साइड्स पे सेम होते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम, देन जर्नल फोलियो का कॉलम, देन अमाउंट का कॉलम। ये डेबिट साइड का पार्ट है, देन डेट अगेन, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का पार्ट है। तो डेट में जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई है, जो आपकी जर्नल में मेंशन है, वो डेट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। पर्टिकुलर्स में जो भी आपने जर्नलाइज किया है, जो भी आपने एंट्री लिखी है, जो भी अकाउंट का नेम है, जैसे एंट्री में अगर कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अगर हो रहा है, और यहाँ पे हम कैश अकाउंट लिख रहे हैं, तो जो एंट्री हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे वो हम कैपिटल अकाउंट की एंट्री लिखेंगे। तो जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन का, वो आप इन पर्टिकुलर्स के कॉलम्स में वो अकाउंट हम लिखते हैं। वो अकाउंट जो भी डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पे लिखा जाता है। अगर आप डेबिट साइड पे अकाउंट लिख रहे हैं वो, तो यहाँ पे टू वर्ड लिखने के बाद उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है, और अगर आप क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं तो बाय वर्ड उस अकाउंट के नेम से पहले यूज़ किया जाएगा। देन जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज़ जर्नल फोलियो नंबर। ये हमने जब हमने लास्ट लेक्चर
किया था अपना जर्नल का, वहाँ पे भी जब हमने जर्नल का फॉर्मेट डिस्कस किया था, इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे हम लेजर फोलियो लिखते थे जब हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, और जब हम लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं तो यहाँ पे हम जर्नल फोलियो लिखते हैं। जर्नल फोलियो के कॉलम में हम पेज नंबर लिखते हैं जर्नल का, जहाँ से आपने उस ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया है। देन अमाउंट के कॉलम में जो भी अमाउंट रिलेटेड है ट्रांजेक्शन से वो लिखी जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज़ रूल्स ऑफ पोस्टिंग। क्या क्या रूल्स हैं पोस्ट करने के, जो प्रोसेस है एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करने का फ्रॉम जर्नल और सबस्ट्री बुक्स टू लेजर, उसी को पोस्टिंग कहा जाता है। क्या रूल्स फॉलो होते हैं? फर्स्टली जो नेम है अकाउंट का वो आप सबसे ऊपर लिखते हो, ऑन द टॉप ऑफ द अकाउंट इन द सेंटर ऑफ द पेज, यहाँ पे ये चीज़, ये नेम ऑफ द अकाउंट यहाँ पे आप लिखते हैं। देन लेजर की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। जो भी ट्रांजेक्शन रिलेट करती है इस, जो भी आपका नेम का है अकाउंट का, उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उन्हें आप एक ही जगह पर लिखते हो। डेबिट साइड आप टॉप कॉर्नर पे लिखते हो डेबिट साइड, और आप टॉप कॉर्नर पे ही क्रेडिट साइड लिखते हैं आप। देन जो भी सारी डेबिट की एंट्रीज हैं उनके साथ टू वर्ड लगाया जाता है, और जो भी सारी क्रेडिट की एंट्रीज हैं उनके साथ बाय वर्ड्स लगाया जाता है। जो अमाउंट आप डेबिट साइड पे लिखेंगे किसी भी अकाउंट की, वही सेम अमाउंट से सेम उतना ही टोटल अमाउंट जो है आप किसी और अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जो पर्सनल अकाउंट अगर आप लिख रहे हैं तो उसके साथ अकाउंट वर्ड लिखना, ये अकाउंट वर्ड लिखना कंपलसरी नहीं है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई वो क्या हुई, सोहन कमेंस्ड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2008 फॉर 7,80,000 रुपीज, तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? कैश आया है बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो कैपिटल है आपकी, तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 7,80,000 से। अब ये हमारी एक जर्नल एंट्री है, इसको अगर हमें लेजर्स में पोस्ट करना है तो हमारे दो अकाउंट्स बनेंगे लेजर में, कौन कौन सा, एक बनेगा कैश अकाउंट का अकाउंट और दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में अगर हमने ये लेजर का फॉर्मेट बनाया, नेम ऑफ द अकाउंट कैश अकाउंट यहाँ पे हमने लिखा, अब इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे इसके हमने क्या लिखा, दूसरे अकाउंट का नाम टू कैपिटल अकाउंट 7,80,000 से। देन कैपिटल अकाउंट हमने लेजर कैपिटल के अकाउंट में बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट में हमने एंट्री हमारी क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट 7,80,000। तो इस तरीके से इस एक जर्नल एंट्री की जो पोस्टिंग है आपकी कंप्लीट हो गई। तो जो भी आप जर्नल में एंट्रीज करते हैं उन सब एंट्रीज की जो पोस्टिंग है इस तरीके से आप उनके अकाउंट में करेंगे। देन है आपका नेक्स्ट पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज को हम कैसे पोस्ट करते हैं? कंपाउंड एंट्री क्या होती है? वो एंट्रीज जिसमें एक या एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो उसे कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। पोस्टिंग इसकी भी सेम तरीके से ही होती है, कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन 21 अप्रैल 2008 19,500 रुपीस पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपीस, तो हमारी एंट्री क्या बनी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग हमें करनी है तो राम अकाउंट कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट तीन हमारे अकाउंट बनेंगे। तो राम अकाउंट में देखते हैं, राम अकाउंट डेबिट है तो उसकी डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे क्या, टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। जो अमाउंट इन अकाउंट्स के आगे लिखा हुआ है वही अमाउंट आपका लेजर में लिखा जाएगा। जैसे टू कैश अकाउंट के आगे 19,500 लिखा है तो टू कैश अकाउंट 19,500, टू डिस्काउंट अकाउंट के आगे 500 लिखा है तो टू डिस्काउंट अकाउंट 500। देन कैश अकाउंट में हमें एंट्री करनी है तो टू कैश अकाउंट है तो उसकी क्रेडिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, बाय राम अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा जो कैश अकाउंट के आगे आपने लिखा हुआ है, दैट इज आपका 19,500। देन आपका डिस्काउंट अकाउंट
में एंट्री हमने करनी है, हमारी डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय राम अकाउंट और अमाउंट कितना लिखेंगे 500 रुपीज़। तो ये थी आपकी पोस्टिंग कंपाउंड एंट्रीज की। देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज हम कैसे क्लोजिंग और बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट्स की। बैलेंसिंग अकाउंट्स की कंपलसरी है अगर ट्रेडर को अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो जो ये अकाउंट्स आपने बनाए हैं लेजर्स में, इन सब की आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग होगी, क्लोज होंगे अकाउंट, तभी उसका जो फाइनल बैलेंस निकल के आता है उसे आप ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से फिर आप प्रिपेयर करते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी है, दैट इज़ योर बैलेंस शीट। देन आपका इसके लिए बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स करने के लिए सबसे पहले आप टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का अकाउंट की, और जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट किया जाता है। मतलब डेबिट साइड का टोटल आपने किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया आपने, दोनों के टोटल में जो डिफरेंस है वो आप कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो उसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट बैलेंस से तो उसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। दोनों का सम अगर इक्वल है तो आपका अकाउंट क्लोज कर देते हैं आप सिर्फ टोटल करके। अगर सपोज हमारा ये अकाउंट है, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हमारा ये अकाउंट है, हमारे ये आपका टोटल किया आपने डेबिट साइड का, ये टोटल किया आपने क्रेडिट साइड का। अब इस पर्टिकुलर गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट में दोनों इक्वल है तो दोनों को हमने इक्वल ले लिया, यहाँ टोटल करके इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब सपोज हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ हमारी एंट्री बनाई हमने बाय कैश अकाउंट 10 लाख रुपीज़ आया। अब इसको अगर हमने इसकी जो क्रेडिट साइड है टोटल वहाँ 10 लाख है लेकिन डेबिट साइड में कोई भी बैलेंस हमारा शो नहीं होता है तो यहाँ पे हमने इसे बैलेंस करना है। तो अमाउंट ये शो क्या कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं था, तो हमने इसे बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस सीडी में जो भी डिफरेंस था दोनों साइड्स के अमाउंट का वो यहाँ पे लिख दिया और टोटल में हम इनको सेम अमाउंट यहाँ पे शो हो गई और ये चीज़ बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से बैलेंसिंग होती है। लेकिन बैलेंसिंग के कुछ रूल्स हैं कि पर्सनल अकाउंट्स को बैलेंस कैसे किया जाता है, रियल अकाउंट्स को बैलेंस कैसे किया जाता है और नॉमिनल अकाउंट्स को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।